16 अप्रैल तक बढ़ी गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड, गोरखपुर कोर्ट में हुई मुर्तजा की पेशी। मुर्तजा के पिता ने एटीएस के सामने किया बड़ा दावा, मुंबई में पढ़ाई के दौरान रैंगिंग का आरोप लगाया। आईआईटी में पढ़ाई के समय रैंगिंग का दावा, मुर्तजा के मन में आई थी जुल्म और प्रताड़ना की भावना। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। दोबारा सीएम की शपथ लेने के बाद पहला दिल्ली दौरा। सीएम योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया सकती है भाजपा। भाजपा संसदीय बोर्ड में 4 पद अभी भी खाली हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्ति नहीं। दिल्ली में यूपी भाजपा को लेकर आज बड़ी बैठक, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम होंगे मौजूद। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है, आगे की कार्य योजना और प्राथमिकता पर भी मंथन। यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल हुआ हैक, कुछ दिन पहले सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हुआ था हैक। हैकर्स ने यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदली। यूपी में आज से फिर मिलेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। अगले 100 दिन में 9,74,000 छात्र छात्राओं को तोहफा देने की तैयारी, आज लखनऊ में होगी शुरुआत। आज से योगी सरकार के मंत्री देंगे अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी, भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे पूरा प्लान। हर रोज लगेगी मंत्रियों की ड्यूटी, आज दोनों डिप्टी सीएम के अलावा स्वतंत्र देव सिंह और जितेंद्र प्रसाद करेंगे प्रेस वार्ता। आज रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री। दोबारा सीएम बनने के बाद पहला रुद्रपुर का दौरा। बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली है, मेरठ पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। याकूब की चल अचल संपत्ति की जांच में जुटी पुलिस। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानून का शिकंजा, परिवार संग फरार याकूब कुरैशी की तलाश लगातार जारी। गैर जमानती वारंट के बाद तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हापुड़ रोड पर पूर्व मंत्री के बेटे के अवैध मीट प्लांट का हुआ था खुलासा। आ जाएगा सीपू हत्याकांड का फैसला, पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में अदालत सुनाएगी अपना फैसला। सीपू हत्याकांड में आरोपी है ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू, 2013 में हुई थी पूर्व विधायक की हत्या। देवरिया से सपा प्रत्याशी कफिल खान का स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने का वीडियो आया सामने। वीडियो में वो लगातार डटे रहने और अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। देवरिया कुशीनगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं कफिल। तेरह अप्रैल को फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस बार विभागों के अपर प्रमुख सचिव देंगे प्रेजेंटेशन। पिछली बार मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम ने देखा था पूरा प्लान, सीधे अफसरों से कार्य योजना पर बात की थी। कांग्रेस में फेरबदल के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह। कांग्रेस में प्रीतम सिंह को नहीं मिली कोई बड़ी जिम्मेदारी। करण महरा उत्तराखंड कांग्रेस के बनाए गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता बने यशपाल आर्य। भुवन कापड़ी को विधायक दल का उपनेता बनाया गया, भुवन कापड़ी ने खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को हराया था। आजम खान की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें, इस बीच अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में बगावती सुर सुनाई दिए। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर साधा निशाना, फसाहत खान का आरोप, अखिलेश ने आजम को बनाया बलि का बकरा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। उत्तराखंड में साल भर के अंदर 6000 शिक्षक किए जाएंगे नियुक्त, तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 6000 से ज्यादा पद पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए खाली पद भरने के निर्देश। बागपत में चांदीनगर के कहरका गांव में दो शातिर बदमाशों के 32 लाख से ज्यादा रुपए के दो मकानों को पुलिस ने किया सील। इस पूरे मामले में कार्रवाई का विरोध करने पर एक शख्स को हिरासत में भी लिया।
हमीरपुर में बाइक रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने एनकाउंटर फायर पर फायरिंग करते हुए दो बदमाशों को धर दबोचा। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। दो बाइक में सवार थे 6 बदमाश। बुलंदशहर में थाना गुलावती पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से घायल किया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक और गोकशी करने के उपकरण बरामद किए हैं। अपराधी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये मुठभेड़ भमरा रोड के पास हुई। गाजियाबाद के सिविल लाइन इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां तो काउंटर फायर में दो बदमाश घायल कर पुलिस ने किए गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक शख्स से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहे थे दोनों बदमाश। शातिरों पर हमले से पहले दर्ज हुए कई आपराधिक मुकदमे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। कानपुर में बैंक लॉकर से कीमती गहने गायब होने के मामले में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय गिरफ्तार। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। कस्टडी रिमांड में लेकर के पूछताछ जारी। रूड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा में पति पत्नी के विवाद में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हिरासत में आरोपी पति। प्रतापगढ़ में पकड़े गए दो हैकरों ने पुलिस के सामने हैकिंग का दिया डेमो। पुलिस टीम ने डेमो को कैमरे में कैद किया। कोहडोर थाने के मदाफर बाजार के पास एटीएम से दो हैकरों को पुलिस ने पकड़ा था। हापुड़ के सिंभावली गांव में बाइक सवार युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल, ब्रेसलेट, बाइक बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है देहरादून से। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी। हल्ला बोल किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की मौजूदगी है वहां पर। सचिवालय गेट के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस ने धन सिंह रावत से इस्तीफा मांगा है। अब कांग्रेस किस तरीके से पूरे मामले को लेकर हल्ला बोल कर रही है उसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहां पर मौजूदगी है पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले मामले में कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मौजूद हैं। सचिवालय के गेट के सामने कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने धन सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सचिवालय गेट के सामने धरने पर कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, प्रदर्शन की तस्वीरें दर्शकों को दिखा तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कितने समय पहले शुरू किया गया? जय, देखिए तकरीबन 11:30 बजे सचिवालय गेट के बाहर ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा इसमें मौजूद है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन शुरू हुआ। अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। और लगातार कांग्रेस जो इस वक्त एक बड़ा मसला है उत्तराखंड में, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला मामला, उस पर भाजपा सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार के आरोप है और मंत्री की मांग भी कांग्रेस लगातार कर रही है। प्रीतम सिंह अभी धरने में शामिल नहीं है और प्रीतम सिंह धरने में अभी शामिल नहीं है और यहाँ पर तमाम जो और नेता है कांग्रेस के वो इस वक्त धरने में शामिल है, क्योंकि लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया गया, उसके बाद प्रीतम सिंह की चाहे मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हो या फिर अपने बयानबाजी से भी कहीं ना कहीं वो आहत और नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रीतम सिंह इस धरने में शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग और गेहूं की पकी हुई फसल में आग लगने की खबर है। आसपास भी गेहूं की पकी हुई फसल
और आग ने भयानक रूप ले सकती है, आग भयानक रूप, क्योंकि आसपास भी गेहूं की पकी हुई फसल है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण व किसान लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में है। रबुपुरा के बलैदा गांव के जंगल में ये भीषण आग लगी है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही ये घटनाएं सामने आने लगती हैं। और देखिए ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रबुपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पकी हुई फसल गेहूं की थी जिसने आग पकड़ ली और अब कम से कम कई सैकड़ों बीघा ये गेहूं की फसल का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। रविंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये आग कैसे लगी और अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी, आग लगने का जो अभी कारण है वो स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि जो आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है और जो ग्रामीण थे वो भी आग पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पर तैनात है, वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो जो फसल थी वो पकी हुई थी तो इसलिए आग और हवा भी थोड़ा चल रहा है तो उसकी वजह से जो आग है वो पूरी फैलती जा रही है। लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस और स्थानीय जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो भी आग पर जो बुझाने की मशक्कत कर रहे हैं लेकिन अभी तक आग को बुझाया नहीं जा सका है। बता दें कि उसके जो फसल है, जो सूखी हुई फसल है, उसके आसपास भी काफी सैकड़ों बीघा फसल है, उसमें भी आग लगने की जो है आशंका जताई जा रही है। अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो और भी जो आसपास की जो फसल है उसमें भी आग विकराल रूप ले सकती है, उस वो जो बची हुई फसल है वो भी उसकी चपेट में आ सकती है। बता दें कि जिस तरह से जो गर्मी पड़ती है, गर्मी के तुरंत बाद ही जो ये फसल है इस तरह के जो आग लगने का जो कारण है वो लगातार बढ़ जाते हैं क्योंकि फसल सूखी रहती है। जैसे कि कोई ग्रामीण है या कहीं कुछ धूम्रपान करते हैं तो कहीं वो बीड़ी सिगरेट का जो धुआं होता है या वो डाल देते हैं उससे भी आग लगने का कारण होता है। और जिस तरह से जो उनके खेतों से जो बिजली के पोल होते हैं उसमें स्पार्किंग होती है उससे भी कहीं ना कहीं जो आग लगती हमेशा देखा जाता है। जी चलिए रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, एक बार फिर सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग उठी है। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, खत लिखा है। जो नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। एक बार फिर से सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग उठी है और ये मांग उठाई है भाजपा विधायक ने। विनोद सिंह इनका नाम है और सीएम योगी आदित्यनाथ को इन्होंने पत्र लिखा है, खत लिखा है। ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, वो खत की कॉपी भी आपके सामने स्क्रीन पर है। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदल करके कुश भवनपुर करने की मांग उठाई है और लगातार देखिए मांग भाजपा की तरफ से उठाई जाती रही है। भाजपा के तमाम विधायक अलग अलग हिस्सों के नाम बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से उठी है, कुश भवनपुर करने की मांग उठाई जा रही है भाजपा विधायक की तरफ से। विनोद सिंह इनका नाम है, सीएम योगी को इन्होंने खत लिखा है और जिसमें सुल्तानपुर के नाम को बदलने की मांग इनकी तरफ से की गई है। जो पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, वो पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसमें इनकी तरफ से मांग की गई है कि सुल्तानपुर का नाम बदलना चाहिए या फिर बदलने की मांग इन्होंने की है सीएम योगी आदित्यनाथ से, और कुश भवनपुर करने की मांग इनकी तरफ से उठाई जा रही है सुल्तानपुर के नाम को लेकर। ये बड़ी जानकारी है, सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग की गई है।